हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के डीएम से बात कर रहे थे, उस वक्त देश की सियासत में एक नई टूल किट की चर्चा थी। प्रधानमंत्री को बदनाम करने की स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी थी। प्रधानमंत्री की इमेज डेंट करने से लेकर कोरोना मैनेजमेंट पर विदेशी सांठगांठ तक टूल किट में सबकी डिटेल्स पॉइंट बाय पॉइंट थी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का टूल किट कहा, आरोप लगाया कि इसके सहारे राहुल गांधी रोज सुबह उठकर सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हैं। तो जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इस तूतू-मैमे के बीच अब तक यह कंफ्यूजन है कि टूल किट में कही बातों की इनसाइड स्टोरी क्या है, तो समझिए इस रिपोर्ट से। मोदी को घेरो, मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल मीडिया को हथियार बनाओ, विदेशी पत्रकारों और पब्लिकेशंस को ब्रीफ करो। कोरोना से मारे गए लोगों की लाशें और अंतिम संस्कार की तस्वीरें फैलाओ। गृह मंत्री गायब हैं, इसका नैरेटिव सेट करो। कोरोना के नए म्यूटेंट को इंडियन स्ट्रेन बताओ। सोशल मीडिया पर इसे मोदी स्ट्रेन कहकर फैलाओ। पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाओ। वेंटिलेटर को डिफेक्टिव बताओ। मोमेंटम बनाओ, एजेंडा चलाओ। समय समय पर मोदी को चिट्ठी लिखो, पर्दे के पीछे से सजेशन दो। कोरोना का सेकंड वेव गया नहीं, थर्ड वेव अभी आया नहीं, मगर उससे पहले एक नई टूल किट ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक करते हुए आरोप लगाया है कि कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने पूरी प्लानिंग के साथ मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। इसके लिए बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई, सोशल मीडिया वॉरियर्स को मैदान में उतारा गया। क्या करना है, कैसे करना है, किसकी मदद लेनी है, कौन सी तस्वीर फैलानी है, मोदी के बारे में क्या कहना है, इंडिया के बारे में क्या फैलाना है, अमित शाह के बारे में क्या लिखना है, पीएम केयर्स फंड को कैसे बदनाम करना है, सबकी पॉइंट बाय पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की गई। मंगलवार को दिन भर हैशटैग कांग्रेस टूलकिट एक्सपोज ट्रेंड करता रहा। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस हैशटैग को आगे बढ़ाया, कांग्रेस पर सवाल उठाया। जेपी नड्डा से लेकर स्मृति ईरानी तक सबकी टाइमलाइन एक्टिव थी। कांग्रेस ने इस टूल किट को बीजेपी का फर्जीवाड़ा बताया, कानूनी कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉरियर्स टूल किट फेक है वाला नैरेटिव सेट करते दिखाई दिए। आज कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। आज वो सोर्स हमारे पास है। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि दिस वल्चर पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस की, जो गिद्धों की राजनीति है कांग्रेस की, आज वो संपूर्ण रूप से उजागर हो गया है। वी वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम बोथ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। हमें सोनिया जी से और राहुल जी से उत्तर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है, विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? टूल किट तो आप ही बनाती हैं, विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देते हैं। वो तमाम टूल्स जो कमियों से बने हुए हैं वो आप ही ने बनाए हैं। सियासी डायलॉग बाजी के बीच कौन सच बोल रहा है और कौन सच छिपा रहा है, इसकी पड़ताल होनी बहुत जरूरी है। टूल किट के भीतर क्या है, हम ये डिटेल में आपको बताएंगे, मगर वो देखने से पहले राहुल के कुछ ट्वीट्स देखने जरूरी हैं। 18 मई यानी मंगलवार को राहुल ने अपने पहले ट्वीट में प्रधानमंत्री पर अटैक करते हुए लिखा कि मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है।
17 मई को राहुल ने पीएम केयर्स के वेंटिलेटर पर सवाल उठाते हुए मोदी विरोध का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। 16 मई को राहुल ने अपनी डीपी चेंज करके वैक्सीन के बहाने अरेस्ट मी टू का टेक्स्ट फैलाया। 15 मई को राहुल की टाइमलाइन पर गंगा का जिक्र था और मोदी पर अटैक था। 13 मई को राहुल ने वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब है वाला मैसेज वायरल करवाया। 11 मई को सेंट्रल वेस्टा के बहाने मोदी पर सियासी हमला। राहुल के ये सारे ट्वीट्स उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस वक्त भी मौजूद हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये बात भी सही है कि राहुल को ये सारे सवाल पूछने के हक हैं, मगर क्या ये सिर्फ संयोग है कि राहुल या कांग्रेस के दूसरे नेता सोशल मीडिया के जरिए मोदी विरोध का जैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते दिखाई दिए। आरोपों के मुताबिक बिल्कुल वही बात सोशल मीडिया पर लीक हुई टूल किट में भी थी। चलिए एक एक करके सबको डिकोड करते हैं। टूल किट के पहले पन्ने में कुंभ मेला के बहाने एंटी बीजेपी नैरेटिव सेट करने की बात है। इसके लिए सुपर स्प्रेडर कुंभ शब्द को बार बार इस्तेमाल करने की भी बात कही गई। टूल किट में कहा गया कि इंटरनेशनल मीडिया पहले से कुंभ को कोरोना के बढ़ते केस के लिए जिम्मेदार ठहरा चुका है, इसलिए एंटी कुंभ नैरेटिव को पुश करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया और पत्रकारों से हाथ मिलाया जाए। टूल किट में यह भी जिक्र है कि ईद की गैदरिंग्स को लेकर कोई कमेंट या पोस्ट ना लिखा जाए और तस्वीरों की मदद से कुंभ को धर्म के नाम पर एक पॉलिटिकल पावर का शो दिखाया जाए। टूल किट में जो कहा गया है वो बात इससे एस्टैब्लिश होती है कि इंटरनेशनल मीडिया ने कोरोना के केस बढ़ने के लिए सीधे सीधे कुंभ को जिम्मेदार ठहराया था और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता हनुमंत राव ने भी बिल्कुल यही नैरेटिव कैमरे पर बताया था। मोदी की इमेज डेंट करने के लिए टूल किट में बाकायदा इस बात का जिक्र है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय हिज इमेज एंड इरोड हिज पॉपुलैरिटी। इसके लिए ये कहा गया कि ऐसा जाल बिछाया जाए जिससे ये लगे कि खुद मोदी के सपोर्टर्स उनसे सवाल पूछते दिखाई दें। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज का इस्तेमाल करके भारत की छवि को धूमिल करने के लिए विदेशी पत्रकारों से संपर्क किए जाने की भी बात कही गई है। पश्चिमी मीडिया में मोदी को लेकर जो कवरेज हुई बीजेपी के मुताबिक उससे टूल किट का ये कनेक्शन काफी हद तक एस्टैब्लिश होता है, क्योंकि ऐसे एक नहीं दर्जनों लेख ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और वहां कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए। और ये तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए टूल किट के अगले पॉइंट में अंतिम संस्कार और डेड बॉडीज की ड्रामेटिक तस्वीरें फैलाने की बात है। इसके लिए विदेशी पत्रकारों को अलग अलग जिलों में कांग्रेस के लोकल कैडर की मदद की भी बात लिखी गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे अंतिम संस्कार और शमशान घाट की तस्वीरें बाकायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही है। स्क्रीन शॉट आपके सामने है। इसी के बहाने बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे, वैसे खुद ही ये मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए, उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। टूल किट का एक अहम पॉइंट ये भी है कि कैसे सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिसिंग अमित शाह, साइडलाइन राजनाथ सिंह,
इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमण जैसे शब्द फैलाने हैं, वीकली मैगजीन के कवर पेज पर मिसिंग टेस्ट के साथ मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। जब हमने इसी थ्योरी का फैक्ट चेक किया तो पता चला कि कांग्रेस की ट्विटर टाइमलाइन इससे काफी मैच करती है। मसलन 13 मई को राहुल के ट्वीट में पीएम गायब है का जिक्र था। कांग्रेस पार्टी के कई नेता नॉन स्टॉप अमित शाह मिसिंग वाला हैशटैग चला रहे थे। रही बात वीकली मैगजीन पर मिसिंग वाली हेडलाइन की, तो ये तस्वीरें देख लीजिए, सब क्लियर है। क्या ये सिर्फ संयोग है कि इस मैगजीन में लेख लिखने वालों में एक नाम कांग्रेस के नेता शशि थरूर का भी था? बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो। टूल किट के अंदर पीएम केयर्स का जिक्र करके ये भी लिखा है कि अगर कोई सेलिब्रिटी पीएम केयर्स में डोनेट करता है और वो सोशल मीडिया पर है तो कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की मदद से उस सेलिब्रिटी को शर्मिंदा किया जाए। पीएम केयर्स के जरिए जो वेंटिलेटर्स पंजाब या छत्तीसगढ़ भेजे गए उसके लिए ये फैलाया जाए कि वो सारे डिफेक्टिव हैं। इसके अलावा ये भी लिखा गया कि अगर कोई इमरजेंसी मदद मांगता है तो सिर्फ उस व्यक्ति को मदद दी जाए जो इंडियन यूथ कांग्रेस के हैंडल को टैग करे। साथ ही साथ स्थानीय नेताओं की मदद से हॉस्पिटल्स में कुछ बेड्स को पहले से ब्लॉक करा दिए जाए और कांग्रेस के कहने पर ही उन बेड्स को रिलीज किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि IYC के काम को प्रमोट किया जाए और BJP के काम को डिमोट किया जाए। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी लगातार पीएम केयर्स के बहाने मोदी पर हमला बर रही है। वेंटिलेटर्स को भी मोदी विरोधियों ने अपने हित के मुताबिक साधने की कोशिश की है, मगर पीएम केयर्स और वेंटिलेटर का सच देश देख चुका है। पंजाब की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है, इसलिए BJP ने टूल किट के बहाने जो भी आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त अटैकिंग मोड में है और वो जवाबी हमले कर रही है। वो क्या है भारतीय जनता पार्टी का टूल? आप पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि अगर नौजवानों ने आवाज उठाई फीस वृद्धि के खिलाफ, एक टूल किट आ जाता है। किसानों ने आवाज उठाई काले कानूनों के खिलाफ, टूल किट आ जाता है। देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने आवाज उठाई, टूल किट आ जाएगा। वो मीडिया जो निडरता से, ईमानदारी से अपना काम करने की आज भी हिम्मत दिखा रहा है, उनके खिलाफ भी एक टूल किट आ जाएगा। वो देश में बैठा हो, मीडिया कहीं भी बैठा हो, आज भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा एक बार फिर सबके सामने स्पष्ट तौर पे आ गया। वैसे कैमरे पर कांग्रेस पार्टी कितनी भी सफाई दे, टूल किट में जिस सेंट्रल विस्टा का जिक्र है वो कहीं ना कहीं शक पैदा करती है। आरोपों के मुताबिक इस टूल किट में सेंट्रल विस्टा के बहाने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, लॉकडाउन में भी परियोजना का काम जारी रखने और इस पर खर्च होने वाले पैसों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। दस्तावेज में बताया गया है कि कैसे इस योजना पर खर्च होने वाले पैसे का इस्तेमाल वैक्सीन की खरीद और गरीब लोगों की मदद के लिए किया जा सकता था। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की टाइमलाइन उठाकर देखने पर पता चलता है कि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी समेत कांग्रेस का हर नेता सेंट्रल विस्टा वाली लाइन लेंथ का इस्तेमाल मोदी पर सियासी हमले करने के लिए कर रहा है। तो क्या टूल किट में इसका जिक्र होना भी एक संयोग है या कोई प्रयोग है? एक बौने को कद्दावर बनाने के लिए कितना हद तक गिरोगे आप, यह बता दीजिए। नहीं बन सकता वो कद्दावर, वो बौना है, बौना रहेगा। देश उसकी कीमत क्यों चुकाए? क्योंकि आप एक बौने को कद्दावर बनाने पर तुले हुए हैं। इस सियासी तूतू मैमे में बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस काउंटर अटैक करके बीजेपी को घेर रही है। इस मामले में कांग्रेस ने FIR दर्ज करा दी है। मगर इस सियासी उठापटक के बीच सबके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि इस टूल किट का सच आखिरकार है तो क्या है। देश में कोरोना संकट के बीच एक और संकट आया, हालांकि अब यह गुजर चुका है लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है तबाही के सैकड़ों निशान। अहमदाबाद से ऐसी ही तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए,
साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।